आश्रय तत्व क्या है। आश्रय तत्व जो अंतिम प्रकरण है भागवत जी का, वो आश्रय तत्व है ज्ञान और प्रेम। जब तक हम ज्ञान तत्व को नहीं समझेंगे, जब तक हम प्रेम तत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम भागवत जी को समझ नहीं पाएंगे। चाहे नित प्रति पाठ करो, चाहे कंठस्थ कर लो पूरी भागवत जी को, एक बार नहीं चाहे 100 बार सुन लो, जब तक ज्ञान तत्व और प्रेम तत्व, इन दो तत्वों की जब तक जानकारी नहीं होगी, तभी कुंजी है, ये चाबी है भागवत जी के खोलने की, प्रेम और ज्ञान। और ये परमात्मा का सहज स्वभाव है, आत्मा का परमात्मा का सहज स्वभाव है प्रेम करना और अपने होनेपन का ज्ञान। ये चेतन तत्व, ज्ञान और प्रेम तत्व। ज्ञान अपने लिए होता है और प्रेम दूसरे के लिए होता है। ज्ञान से आत्म साक्षात्कार होता है और प्रेम से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। राम तो केवल प्रेम प्यारा और जान ले ही कोई जानन हारा। यदि कोई राम को जानना चाहते हो तो राम से पहले जानो प्रेम को। राम तो केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही कोई जानन हारा। यदि कोई राम को जानना चाहता है, साकार भगवान को जानना चाहता है, भागवत जी के मर्म को जानना चाहता है, सर्वप्रथम उसको प्रेम को समझना पड़ेगा।